जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ये जस्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बार बार रिपीट करते ही रहेंगे, सही है। तो इसी अच्छा जी, कैश पैक आपको बेसिकली ये अच्छे से समझ सकते पैक में बेसिकली आप ये बता रहे होते हैं हमारा जो बॉक्सेस के है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इन बॉक्स की साइज जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है, अगर जब आप कैश पैक सेलेक्ट करते हैं तो वो सारे बॉक्सेस जो है वो एक ही साइज के होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर आइटम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। अगर सेम होते हैं तो फिर आप कैश पैक बनाते हैं, ठीक है, और अमेजोन ज्यादा इसको ही लाइक करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल भी चल जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से, क्योंकि इस वजह से ही लोग VA को हायर करते हैं कि भाई ये कैश पैक सिर्फ हमसे नहीं बनेगा, इंडिविजुअल भी बनेगा, और इसके जो है वो सही तरीके से तरतीब से हम आपको बताते हैं, हमारे पास इतने इतने बॉक्सेस हैं, इन इनकी ये कंडीशंस हैं, ठीक है, आप ही हमें बना के दे दें। मेरा एक बॉक्स ऐसा है, एक इसकी अलग डायमेंशन है, एक अलग डायमेंशन है, ठीक है, फिर उस कंडीशन में फिर आपकी वो जो है वो कैश पैक के बजाय वो आप इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है, शिपिंग प्लान बनाते हैं बना रहे होते हैं। अच्छा जी, PL कर रहे हैं तो PL के लिए आपको जो है वो अगर USA में आप लॉन्च करने जा रहे हैं, PL करने जा रहे हैं, तो आपको UPC जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप UAE में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको EAN नंबर चाहिए होता है, ठीक है, ये भी बारकोड है, UPC की तरह ही होता है, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। अच्छा जी, नेशन वाइड से भी आप ये खरीद सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल इसकी वो है अपना क्या कहते हैं जो वेबसाइट है, ये इसकी एफिलिएट है, ठीक है, GS1 के नाम से है एक वेबसाइट, वो बेसिकली इसकी ओरिजिनल वो है, वहां से मिलती है आपको, ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर, जी जी पूछिए। ये जो बारकोड है ये हम खुद डिजाइन करते हैं एज ए बीए, या जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है वो बताता है? नहीं, ये हम करते हैं, ये VA वो करके देगा अपने क्लाइंट को, ठीक है, और ये आपके क्लाइंट को भी पता है, ये जो है वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, ठीक है, ये आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट पे लगाएं वो वर्ल्ड वाइड जो है वो होता है, ठीक है, और इसकी अच्छा, कीमत मतलब ऐसे डिफरेंट नहीं हो होती है। सकता कि एक जी बार कोड के अगेंस्ट दो सेम प्रोडक्ट आ जाए, ऐसे नहीं होता, हर एक की डिफरेंट होगी? अगर वेरिएशन है ना, अगर वेरिएशन तो उसके लिए अलग बार कोड आएगा, ठीक हो गया। ओ अच्छा, ठीक है जी ठीक है। अगर वेरिएशन है, आपकी चार वेरिएशन है तो आप चार बार कोड लेंगे, ठीक है, और उसकी जो कॉपीज है ना वो आप उसकी करवाएंगे, ठीक हो गया, लेकिन आपने पे एक का ही करना होगा, अगर चार की बारी वेरिएशन दी है, चार आपने लिए तो पे आप चार का करेंगे, ठीक है, उसकी जो कॉपीज हैं वो चार की जाहिर सी बात है अलग अलग होंगी, फिर आपकी वो एक वेरिएशन की 500 प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसकी आप एक UPC की उसको आप कॉपी करवाएंगे बाकियों के लिए, ठीक है ठीक हो गया। जी। किसी का और क्वेश्चन इसी में, बहुत थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, समझने वाली चीज है, आपको समझ में आनी जरूर चाहिए, ठीक है, ये बार कोड क्या है, किस तरह है, क्या लगता है, ठीक हो गया। अगर मैं दोबारा इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आपकी एक सर प्रोडक्ट हम है, कहेंगे ठीक ना है, बारकोड कैसे डिजाइन का, अच्छी डिजाइन तो आपको वो मिलेगा, ऊपर से ही मिलेगा, ठीक है ना, आप वेबसाइट से खरीदेंगे ना, $100, 500, सॉरी 500 बोल रहा हूँ, $100 में आपको पाकिस्तानी 17-18 हज़ार रुपये का ये मिल जाता है, ठीक है, ईयरली इसकी फी होती है वो आपसे तय कर ली जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट तो एक है लेकिन उसके पीसेस तो बहुत होंगे ना, आपके 1500 पीसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, अब आप एक की वो प्राइस पे करेंगे, इसकी कॉपीज आप ले लेंगे, ठीक है, बारकोड एक ही होगा, फिर एक ही प्रोडक्ट के लिए दो प्रोडक्ट होंगे तो दो आप UPC लेंगे, इसकी कॉपीज आप मजीद लेंगे, ठीक हो गया, बिल्कुल इसको सिंपल रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी ये सारी ओवरव्यू कर रहे हैं, इस पे जरूर आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आने चाहिए वक्तन फवक्तन, ठीक है। अच्छा जी, FBA भी Amazon भी खुद आपको प्रेप की सर्विसेज देता है, ठीक है, चाहे UPC हो, UPC आप इसको खुद खरीद के देंगे, ठीक है, FNSKU आप अपने बनाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेप सर्विस एक अलग चीज है, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपके जो ये बॉक्सेस हैं, कहाँ चले गए, एक मिनट, ये बॉक्सेस हैं, जैसे बॉक्सेस के अलावा जो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है ना, ये तो अभी आगे आएगा, बल्कि दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड, इसके बाद ये देखिए, ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जो लगाने वाली सर्विसेज है ना, इसको प्रेप सर्विसेज बोलते हैं,
ठीक है, ये वाली, ये प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका एफएनएस क्यू लगाना है, ठीक है, ये सर्विसेज आपको अमेजोन ऑफर करता है, प्रेप सर्विसेज इसको कहते हैं, ठीक है। प्रेप एक ये है, और इसके ऊपर अगर ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बबल रैप आ रहा है या जो है वो पॉली बैग इस पे चढ़ाना है, ठीक है, अमेजोन उसके आपसे ऑफर कर रहा है प्रेप सर्विसेज की, ये दो सर्विसेज आप अमेजोन से ले सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंडेशन आपको नहीं देते, नहीं करते, क्योंकि ये हम ऑलरेडी करवा के आ चुके। हाँ पॉली बैग है तो फिर हम इसी से अमेजोन को ही बोलते हैं, हाँ जी पॉली बैग के चक्कर में तो आप ये खुद ही रहें, क्योंकि यूएस खास तौर पे पॉली बैग के हवाले से थोड़ा सा अजीब है उसकी पॉलिसीज, ठीक है। तो लेबल आपके ये वाले हो गए, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाले लेबल्स आपके ये वाले हो गए, ठीक है। ये लेबल आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको अमेजोन खुद प्रोवाइड करेगा ये वाले लेबल्स, ठीक हो गया, ये वाले और ये और ये वाले वो एफ एन लेबल्स एस के हैं यू, जो जी जो बिल्कुल डब्बा ये आपका पूरे का पूरा पैक हो जाता है उसके ऊपर लगाए जाते हैं ठीक है, लेबल्स। वो वाले लेबल आपको अमेजोन देगा, ये एफ एन एस के यू आपको अमेजोन देगा, लेकिन वो वाले लेबल उस पे लगेंगे बड़े डब्बे पे, ये एफ एन एस के यू ये छोटे डब्बे पे लगेंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये दोनों चीजें आप बाहर से भी करवा सकते हैं, अपने सप्लायर को भी दे सकते हैं, वो भी इसको लगा सकता है, ठीक है, कोई इसमें वो एतराज की बात नहीं, अमेजोन आपसे एतराज नहीं करता, अमेजोन कहता है ठीक है अगर आप करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी सर ये हो अगर गया, अमेजोन हमें जी करके दे रहा है तो वो उसके चार्जेस भी ले, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 0.30 ले रहा है सेंट्स, डिफरेंट होती बेहतर नहीं है, है कि हम खुद करवा के भेज दें उनको? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतें हैं, लेकिन पॉली बैग के चक्कर में जो है ना वो फिर मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप अमेजोन को ही दें, चाहे लेट हो चाहे सेट हो चाहे पैसे लगे आप उसी को दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, पॉली बैग के लिए पता नहीं क्या उनको सेंसिटिव वो इतने हैं पॉली बैग के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी लेट्स सी, प्रोफार्मा इनवाइस, इनवाइस बेसिकली आपको लेनी पड़ती है जब आप कोई अनगेट करवा रहे होते हैं कोई अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, अनगेटेड उसमें कैटेगरी में आप जा रहे होते हैं, ठीक है। अब आप चाहे होलसेल करें चाहे पीएल करें, ठीक है, आप मेहरबानी करके हमेशा 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 अपनी प्रोडक्ट पहले उसको ऐड करें अमेजोन के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये गेटेड तो नहीं मांग रही, ये कोई और चीज तो नहीं मांग रही, ठीक है। ये आप अपने सप्लायर को बोलेंगे सर हमें जो है वो प्रोफार्मा इनवाइस दिखाएं दें, ठीक है, जब वो आपको ये इन्फॉर्म ये इनवाइस देगा, ये डमी इनवाइस होती है बेसिकली, ठीक है, यहाँ कंपनी का नाम आपका नाम सारी चीजें, और ये कम से कम 10 प्रोडक्ट आपसे मांग रहा होता है अमेजोन, ठीक है, जब हम अनगेट करवा रहे होते हैं कोई भी चीज, ठीक हो गया। तो ये प्रोफार्मा डमी इनवाइस आप ले लेते हैं सबसे पहले, ये आप कोशिश करते हैं कि आपकी लिस्टिंग लग जाए, लग जाती है तो आप जो है वो आपको पता चलता है हाँ यार ये इस कैटेगरी जो है वो मेरे लिए अनगेट हो गई है और मैं इसको जो वो कर सकता हूँ, तो ऐसी सूरत में ये प्रोफार्मा इनवाइस आपको आपका सप्लायर दे सकता है और देते हैं, अच्छे सप्लायर होते हैं तो, ठीक है, अगर उनको आप पे एतबार हो हाँ जी ये बंदा जो है वो परचेज भी करेगा सारी चीज करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो अमेजोन को भी जानता है कि अमेजोन की ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो जरूर आपको देगा, ठीक है। अच्छा ऐसी सूरत में आप ये कभी ना कहिएगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं है वाकई ऐसी होती भी है कोई कोई इनवाइस, हाँ भाई होती है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको जूम इन करके थोड़ा देख लिया, ठीक है, ये जूम इन करके आपने देख लिया इसके प्रोफार्मा, ठीक है। पी आईज और सी आईज, पी आईज मतलब प्रोफार्मा इनवाइस, ठीक है, पी आईज इसको बोलते हैं, पी आईज कोई बोले पी आईज यार दिलवा दोगे, आपको बोलोगे हाँ ये क्या होता है, भाई कुछ नहीं होता, ये प्रोफार्मा इनवाइस होती है आपकी, डमी इनवाइस इसको बोलते हैं, आप अभी परचेज नहीं कर रहे होते हैं लेकिन सारी चीजें सप्लायर आपकी यहाँ पे डाल के हिसाब करके आपको दे देता है कि भाई ये जाओ जाके अब अप्लाई करो, अगर तुम्हारी कैटेगरी तुम्हारी प्रोडक्ट अनगेट हो जाए आके मुझसे चीजें लेके फिर बेचना शुरू कर दो अमेजोन के ऊपर, ठीक है। सी आईज क्या है, सी आईज आगे चल के दिखाता हूँ, कमर्शियल इनवाइस होती है बेसिकली, वो कमर्शियल इनवाइस ये पक्का बिल होता है, ये कोई भी आपको ऐसे नहीं देगा जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे, ठीक हो गया। सी आईज कमर्शियल इनवाइस, ठीक हो सी गया, आई आपकी इस कच्ची इनवॉइस होगी, सी आई जी आपकी पक्की इनवॉइस। जी बिल्कुल ऐसा ही है और सर ये दोनों हमें हमारा सप्लायर ही देगा जिससे हम जी सामान बिल्कुल खरीद रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही देगा, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया, उसके बाद
अवॉइड टू ऑर्डर इन दीज डेज, चाइना से परचेजिंग कर रहे हैं तो खास ख्याल रखिएगा उनके जो न्यू न्यू ईयर आता है उनका, ठीक है, वो 20-25 दिन जो है ना, पूरा महीना वो आपसे ना ऑर्डर लेते हैं, ना पहले 20-25 दिन ना बाद में 20-25 दिन, ठीक है। तो इन 2-3 महीनों में आप अपने, अगर आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ इन्वेंट्री आप रहे, आउट ऑफ स्टॉक रहे, तो पीएल के लिए बहुत बड़ी, मतलब आपकी लिस्टिंग की जितनी भी मेहनत है वो सारी पानी में चली जाती है, ठीक है। तो इन जो है जनवरी 21 टू 20 फरवरी, ठीक है, एवरी ईयर आप ख्याल रखा करें। आपको पता है कि एक असाइनमेंट अगर मैं मंगवाऊंगा, अगर एक महीने की मैं उससे इन्वेंट्री ऑर्डर करूंगा, तो वो कम से कम भी 20 दिन 25 दिन फ्रेट फॉरवर्डर वाला ले लेगा। सप्लायर उसको बनाने में मेरी प्रोडक्ट 500 हो, 50 हो, या 50,000 प्रोडक्ट्स हो मेरी, ठीक है, उसको बनाने में 20-25 दिन वो भी ले लेगा। मतलब 40 से 35 दिन लग सकते हैं, उसको अलग देखूंगा मैं, और फिर इन डेज को 2-2.5 महीने इनको अलग देखूंगा। अगर आने वाला होगा तो अपने क्लाइंट को बता दूंगा, सर उन जनवरी आ रहा है, ठीक है, जनवरी टू फरवरी, मेहरबानी करके ये नवंबर में आप अप्लाई कर दें, ठीक है, हम ऑर्डर कर देते हैं, ये इनसे पहले पहले आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर इन महीनों में मसले हो जाएंगे, ठीक है। चाइना का जो न्यू ईयर है, ठीक है, उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो फिर सारे मसरूफ हो जाते हैं, प्राइस भी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, कोई भी आपको स्टॉक नहीं दे रहा होता। और काफी फेसबुक पे आप देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, लोग इतने परेशान हो रहे होते हैं कि यार किसी के पास ऑर्डर पड़ा हुआ है तो हमें दे दे मेहरबानी करके, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल में ना जो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला काम है ना, वो सुसाइड के बराबर है, ठीक है, सुसाइड के बराबर है बिल्कुल। आप ये देखा करें, एक बीए को, जो एक एक्टिव बीए होता है, उसको ये पता होता है कि अगले 1-2 महीने में उनके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इसलिए एक्टिवली 3-4 महीनों का पहले ही आप लोग ऑर्डर बनवा के अपने पास मंगवा लिया करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी पीएल क्लाइंट के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं हो कि 10 यूनिट रह जाए, 50 यूनिट रह जाए, आपको अब पता चल रहा है कि जी आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, अब आप चाइनीज से रब्ता करने के लिए जा रहे हैं, वहां आप देख रहे हैं कि वहां उनका न्यू मून फेस्टिवल चल रहा है या वट एवर, काफी सारे इनके फेस्टिवल्स होते हैं, तो इस तरीके से ये गलती नहीं करनी पीएल। अच्छा, जब आप शिपिंग प्लान बना रहे होते हैं ना, तब आपको अमेज़न बता रहा होता है कि आप भाई न्यू सेलर हैं, ठीक है, आप 1,000 यूनिट से ज्यादा हमारे वेयर हाउस पे नहीं भेज सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता है कि आपको इतने सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पिछले उसमें दिखाया था 3PL, थ्री पीएल वालों से बात करें, ठीक है, उनके पास भी तो वेयर हाउस होंगे ना, यूके में भी होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं वो, तो ठीक है, अपनी प्रोडक्ट आप उनके पास रखवा दें, वो मंथली आपसे चार्ज ले लेंगे एक पर प्रोडक्ट के ऊपर, वो बियरेबल होती है, उनको भी पता है, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो वो भी सर्विस आप ले सकते हैं, ठीक है। 1,000 यूनिट से आप ऊपर नहीं मंगवा सकते एक्स्ट्रा, अगर आपने अमेजोन के वेयर हाउस पे रखवाना है तो सिर्फ 1,000 पीसेस इफ यू आर अ न्यू सेलर ऑन अमेजोन, ठीक हो गया। चलें, अच्छा ये हो गया, अवॉइड दिस। अच्छा जी, ये जो है बेसिकली आपकी होंगे ये सर, बेसिकली आपकी आवाज इनपुट एकदम टर्म्स हैं बंद हो गई। आपके। जी जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है। ये इनको टर्म्स हैं, मतलब तरीके हैं कुछ, ठीक है, तरीके ये हैं कि आप जब सप्लायर से बात कर लेते हैं, आपका माल इन्वेंट्री जो है वो जिस भी हिसाब से वो बनाए, ठीक है, आपकी डील हो गई, सारा कुछ हो गया, अब या तो ये आप इस जो भाई देखें, एक सप्लायर है वो कहता है मेरा काम है फैक्ट्री में ये चीज बनाना, ठीक है, उसने बना के रख ली, अब उसका ये काम थोड़ी है वो आपके दरवाजे तक देने आएगा, ठीक है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो कहते हैं जी हमारे साथ हमारे वेंडर हैं, ठीक है, हमारे वेंडर हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ से हमारी कंपनी से अपना फैक्ट्री से लेके आप जहां बोलेंगे ये उठा के वहां तक छोड़ के आएंगे, ठीक है। अब उनके सारे तरीके हैं, ठीक है, ये EXW एक तरीका है उनमें से, ठीक है, इनको टर्म है, इंटरनेशनल इनको टर्म्स हैं, ये कमर्शियल टर्म्स हैं, ठीक है, DDP है एक तरीका, ठीक है, उसमें उसके बाद क्या है, काफी सारी वो है टर्म्स हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ, शायद मुझे नहीं नहीं है,
मैंने सिर्फ वही इसमें दो तरीके रखे हैं ये आपको EXW समझाने के लिए कि EXW अगर आप तरीका एक लेते हैं कि हाँ जी ये अगर हम EXW एक इनको टर्म लें तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, वो कहता है जी ऑल मैन्युफैक्चरिंग हम आपको करके देंगे, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट जो है उसको प्रेप भी करके देंगे आपको, रेडी फॉर पिक करके देंगे, नो लोडिंग, लोडिंग हम नहीं करके देंगे आपको, नो शिपिंग, शिपिंग भी हम नहीं करके देंगे अगर आप इस ये वाली वो सर्विस हमसे आप लेते हैं तो, ठीक है, EXW, ठीक है। अच्छा जी मैं कहता हूँ नहीं, इस तरह से काफी सारी हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन जो सबसे हम बेहतर वो होती है जो यूज की जाती है वो मैं बताता हूँ, अगर किसी सप्लायर के पास ये वाली है DDP है तो, ठीक है। लेकिन क्या होता है समटाइम्स, जाहिर सी बात है, अब जिसके पास फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास कोई वेंडर है तो जाहिर सी बात है मैं अपनी कमीशन भी तो रखूंगा ना, तो मतलब ये अगर आप बाहर से नहीं लेकर आ रहे इसको DDP वाले को, फ्रेट फॉरवर्डर वाले को, अगर ये DDP की सर्विस ये हमें दे रहा है तो ये थोड़ी सी महंगी जरूर होगी, लेकिन उसमें क्या होगा आपको ऑल मैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगी, ऑल प्रोडक्ट प्रेप भी मिलेगी, ठीक है, प्रेप का भी जो मैंने आगे जाके मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, ठीक है, ऑल शिपिंग भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, ड्यूटीज फीस सारी आपको मिलेगी, ठीक है, ऑल लॉजिस्टिक भी मिलेगी आपको, ठीक है, सिर्फ इंश्योरेंस इसमें नहीं होगी कि रास्ते में अगर जहाज डूब गया है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो आप कहेंगे तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आधी फीस आप इंश्योरेंस की भर लीजिए, आधी हम भर लेंगे, ठीक है, DDP वाली वाला तरीका आप मुझसे ले लें, ये सारी चीजें मैं करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, ठीक है, एक टर्म है ये, ठीक है, उम्मीद है मैं समझा पाया हूं आपको, ठीक है। DDP एक सर्विस है, बेसिकली कोई भी सप्लायर आपको दे सकता है अगर वो दोनों चीज करे, बनाने वाला काम भी करे और पहुंचाने वाला काम भी करे, ठीक हो गया अच्छा, मैं ज्यादा DDP को रिकमेंड करूंगी क्योंकि इस पे जी। सारी दर्दें सारी पे सप्लायर की होती है, आपने जस्ट उसको पे करना होता है, थोड़ा सा ये कॉस्टली जरूर होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा बैक चाहिएगा सर, EXW दिखाइएगा, अगर आप लोग वो वाली सर्विस चूज करते हैं तो इसमें वो कह रहे हैं मैं लोड भी नहीं करूंगा, तो क्या लोडिंग के लिए कोई और बंदा आप लोग चूज करेंगे? तो इससे बेहतर है एक पूरा पैकेज एक ही बंदे को दे दिया जाए ताकि काम इजी वे में हो सके। जी बिल्कुल चलें जी, ऑप्शन हमारे पास बहुत हैं लेकिन उनमें से ये भी थे। अच्छा जी चाइना, सर, मेरे ख्याल से अभी RFQ पे नहीं जाते, इनको सप्लायर हंट कैसे करना है वो प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा देते हैं, चलें ठीक है, ऐसे ये कंफ्यूज ठीक हो है, जाएंगे। ठीक हो गया, मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो करते हैं फिर। परचेज ऑर्डर जब आप परचेज कर लेते हैं तो वो एक अलग होता है, ठीक है, या आपको सारी चीजें उसमें ऐड होके मिल जाती हैं आपको, ठीक है, ये परचेज ऑर्डर आपका जब आप अलीबाबा के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको अलीबाबा के ही आपके अकाउंट में ये चीज मिल जाती है, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको मिल जाती है, ये आपको उसके पास सप्लायर को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अलीबाबा ही दे देता है, ठीक है, बना के। अच्छा जी OEM, OEM क्या है बेसिकली, बेसिकली ये इसका स्टैंड फॉर पे जाएंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये एक इक्विपमेंट का वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इसको इसका वो स्टैंड फॉर है, लेकिन इसको यूज का किया किया जाता है अमेजोन की फील्ड में, हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाना, लगवाना, पेस्ट करवाना, उसको OEM कहते हैं। जब हम चाइना के सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो हमेशा वो आपसे पूछ रहा होता है डू यू वॉन्ट OEM, ठीक है, तो आप अगर न्यू होके इसको पूछेंगे ना सर ये क्या है, तो फिर वो आपको रेट भी फिर ऐसे ही बताएगा, वो बोलेगा ये अनाड़ी ये बंदा, इसको पता ही नहीं है OEM क्या है, ठीक है। OEM का मकसद ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर आपका अपना नाम, अपना लेबल लगवाना, ठीक है, या आप उससे पूछते हो सर क्या आप जो है वो डू यू डू OEM, क्या आप ये सर्विस मुझे देंगे, ठीक हो गया। अच्छा OEM हमेशा ज्यादातर यही हुआ है कि वो आपसे पर प्रोडक्ट चार्ज करता है, ठीक है, और मिनिमम वो कहता है कि आपके पास 3,000 पीसेस होने चाहिए फिर हम ऑर्डर आपका लेंगे, ठीक है, ताकि उसको कंफर्म हो कि ये PL करने वाला है या ये किसी और की प्रोडक्ट तो नहीं लेकर आ रहा, किसी और की प्रोडक्ट पे हम इसको इसका नाम लगा के दे दे, ठीक है, तो ये आपका सप्लायर आपको ये ऑफर करता है। अच्छा जी MOQ, आप जब सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो आप हमेशा उनसे MOQ पे बात कर रहे होते हैं, वो आपसे बात कर रहा होता है, ठीक है, अक्सर MOQ मिनिमम
ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये लिखा हुआ ऊपर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसका एमओक्यू का मतलब है, ठीक है। हमेशा वो आपको कहता है जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप जो है वो 500 मुझसे ले लीजिए, ठीक है। कम से कम भी आप ऑर्डर करेंगे अगर चाइना से आप कोई चीज चाहिए तो मिनिमम 500 पीसेस आप लें, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको एमओक्यू सिर्फ एक बता रहा हूँ कि इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जो आपको एक प्रोडक्ट एक अच्छी प्राइस में दे रहा है तो वो फिर आपको मिनिमम जो है वो 2000-3000 का बोलता है, ठीक है, आपकी यूनिट परचेस करने का, ठीक है। ऑर्डर ओक्यू मतलब ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा जी, उसके बाद ओईएम पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड वगैरह ये सारी चीजें आप लगाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग कंपनी, अच्छा ये क्राइटेरिया है, गोल्डन सप्लायर, ट्रेड अश्योरेंस, नंबर ऑफ इयर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से मैडम अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हम क्राइटेरिया पर आ गए हैं। ओके चलें जी, अब हमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम सप्लायर से बेसिकली हमें हमने देख लिया, हमने कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये प्रोडक्ट हमें खरीदनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जाएंगे अलीबाबा के ऊपर, परचेज करेंगे, सस्ते दामों ढूंढेंगे। गूगल पे आप लोग जाएंगे सीधा, यहाँ पे आप टाइप करेंगे alibaba.com, ठीक है, ये इसको हम ओपन कर लेंगे। डोमेन नेम हमने देखते हुए इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, www.alibaba.com। ये इसकी मेन वेबसाइट इस तरीके से दिखती है। अच्छा, यहाँ पे आके बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि हमने अगर चाइना से या कहीं से भी सोर्सिंग करनी है, अली बाबा पे ही क्यों आए हैं, और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से भी तो परचेज कर सकते हैं। पहली बात, अली बाबा पे बहुत सारे लोग लाखों में ऐसे बैठे हुए हैं जो कि ना वेरीफाइड है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब है कि मिडल मैन है, रीसेलर्स हैं, ब्रोकर यूके से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया फिट किया हुआ है, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स को ढूंढना है, ठीक है। अब वो क्या क्राइटेरिया है, आप ये देखें, नंबर ऑफ इयर्स, वेरीफाइड सप्लायर्स, ट्रेडिंग कंपनी, ये सब क्या है, वन बाय वन अब क्राइटेरिया लगाते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। वापस चले जाते हैं अलीबाबा पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई प्रोडक्ट है बबल गेम्स के नाम से, यू कैन से आपकी विनिंग प्रोडक्ट है जो आप जिसको सोर्स करना चाह रहे हैं, तो यहाँ सर्च बार में ऑप्शन चल रहा है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे टू ऑप्शंस आते हैं, तो पहले ऑप्शन के मुताबिक मैं आपको मेथड गाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन ही आप सिलेक्ट रहने दें, इसको कम्प्लीट हो जाने दें जरा ब्राउजिंग को। अच्छा जी, आप सब लोगों ने पहले इसको साइन इन लाजमी कर लेना है, ठीक है, अपने अपनी जीमेल के साथ। दो मिनट में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कीवर्ड लिखा है बबल मशीन, ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स बैठे हैं इसने मुझे दिखा दिए। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं हर किसी पे भरोसा क्यों करूं? आ रहा होगा ट्रेड एश्योरेंस के नेम से, सब लोग जरा इसको गौर कीजिएगा, सर इसको हाईलाइट कीजिए प्लीज, ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है। चेक लगाने से ये होगा कि ये जितने भी यहाँ पे इसने हमें सप्लायर्स दिखाए, उनका ट्रेड एश्योरेंस का बैच होगा, सप्लायर से परचेज करते हैं जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच है। तो अलीबाबा क्या करता है, जो पेमेंट आपने सप्लायर को भेजी हुई होती है वो अलीबाबा अपने पास रख लेता है, ठीक है।
वो तब तक उसको आगे उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता जब तक के कस्टमर यानी कि आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जब तक आपका बनवाया हुआ माल आपको रिसीव नहीं हो जाता और आप यस नहीं कर देते, तब तक ये अमाउंट जो है अली बाबा होल्ड करके रखता है। इसलिए मुझे तलाश है ट्रेड अश्योरेंस वाले सप्लायर्स की ताकि मेरे साथ धोखा ना हो। अच्छा जी, पहली मैं बात यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा। जैसे मैडम ने बताया, आपको कभी भी सोर्सिंग करनी हो आप डायरेक्ट गूगल से जाके नहीं कीजिएगा प्लीज, वहां पर बीच में कोई भी जमानती नहीं बैठा हुआ होता। ठीक है, जी वाहिद यही प्लेटफॉर्म है जो आपको जमानत देती है कि सर आपकी ये प्रोडक्ट जब तक आपके पास पहुंच नहीं जाती, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक वो आपकी जो अमानत है, आपके जो पैसे हैं, वो अलीबाबा अपने पास रखता है। ठीक है, और कुछ भी होने की सूरत में आपको वो उससे रिफंड भी करवाता है, वो चेंज भी करवाता है, आपकी जो डैमेज है उसको भी सही करवाता है। ठीक है, तो इसलिए अलीबाबा को हम ज्यादा रिकमेंडेड करते हैं। जी मैडम, अच्छा, जब ये ट्रेड एश्योरेंस वाला आप बॉक्स को चेक लगाते हैं, ठीक है, आपका क्राइटेरिया ये अप्लाई हो जाता है। आई थिंक ये इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर ब्राउजिंग भी शो हो रही है अभी, इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने देते हैं। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने वेरीफाइड सप्लायर्स जो हैं, जी यहाँ पे मेंशन भी है ट्रेड एश्योरेंस सेफ्टी नेट एनबी फॉर फर्स्ट, ठीक है, टाइम सप्लायर्स, जी हाँ हम इसको पहले भी गाइड कर चुके हैं अच्छे से डीपली। अभी ये है कि अगला ऑप्शन है वेरीफाइड सप्लायर्स, वेरीफाइड सप्लायर्स भी जो कि अलीबाबा पे वेरीफाई हो। वेरीफाई होने का मतलब जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, ठीक है, जो कि मतलब है कि वो जो वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया, टाइम से डिलीवरी पहुंचाते हो अपने कस्टमर को, जो कि तंग ना करते हो, जो उनकी बात है वो खरी होती हो, एटलीस्ट जो उन्होंने पिक्चर्स लगाई नहीं अपने पास कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये ही प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल हो। नहीं तो यहाँ पे लोग ड्रामेबाजियां भी बहुत करते हैं, खामा खा की तस्वीरें लगा लेते हैं, जब उनको ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर जब आपको रिसीव होता है तो अंदर से कुछ और निकलता है, ये काम बहुत ज्यादा होता है। तो वेरीफाइड सप्लायर्स हमें इसीलिए चाहिए हैं कि जिनके पास जो तस्वीर लगी हुई है, हमें जिस चीज की तलाश है हमें वही प्रोडक्ट चाहिए भी है, ठीक है, इस तरह के वेरीफाइड सप्लायर्स भी हमें चाहिए हैं। हम इस पर भी चेक लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रेड इश्योरेंस के नीचे, इस बॉक्स को भी आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो, ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। जी चलें जी, ये देखें हो गया। अब आप इसमें देखेंगे वेरीफाइड सप्लायर भी देख लिया, ठीक है, और उसके बाद जी, अब उसके बाद हमने ये देखना है कि कितने साल का कम से कम भी इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्राइटेरिया के मुताबिक अलीबाबा पे हम उन सप्लायर्स को फोकस करते हैं जिनका कम से कम भी 3 साल का एक्सपीरियंस मौजूद हो, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो देखें ये 6 साल से बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्राइटेरिया मीट कर गया। आगे ये देखें रेड कलर की रूबीज बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड जेम्स, ठीक है। अब ये जेम्स के बारे में हम क्या कहते हैं सर, जेम्स प्लीज दिखाइएगा। जी ये एटलीस्ट 4 होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 4 होने चाहिए किसी भी सप्लायर के पास, देन आप इस क्राइटेरिया को मीट करने के बाद आप उस सप्लायर को देखोगे कि हाँ जी इसके पास अब क्या प्रोडक्ट कितने में मिल रही है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रही, शॉर्टलिस्ट मैं नहीं कर रही, आगे चलते हैं। इसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस तो है लेकिन ओनली 1 जेम, नॉट रिकमेंडेड, आगे चलते हैं। इसके पास सिर्फ 2 जेम्स है, आगे चलते हैं, 3 है, 4 होने चाहिए, मैंने बोला मिनिमम 4 होंगे, ठीक है, और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा। सॉरी ये अच्छा, देखिए यहाँ पे भी 14 साल हमें के प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। हंटिंग की तरह खपना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, देखिए धोखेबाजी से अगर हमने बचना है तो एक वीए को इतना खपना ही पड़ेगा। जी, ये एक अलग सर्विस है, ये एक अलग चैप्टर है। जी ये एक अनदर स्किल आज आप लोग सीख रहे हैं। अच्छा अब इसको मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ, इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेती हूँ, ठीक है। अब मजीद समझते हैं कि आगे इसका क्या देखना है, कैसे देखना है। अच्छा मैडम, हमने लास्ट टाइम जो स्पेसिफिक डिजाइन की एग्जांपल में बबल मशीन का सिलेक्ट किया था, अब इनका डिजाइन डिफरेंट है, तो क्या ये हमारा डिजाइन बना सकते हैं? जी बिल्कुल, इनको हम राबता करेंगे, इनको प्रॉपर तरीके से हमने मेल करनी है, इनको हमने पिक्चर, वो जो नेगेटिव रिव्यूज आप लोगों ने पकड़े हैं वो भी आपने इनको दिखाने हैं कि जनाब मैं ये प्रोडक्ट बनवाऊंगा, मुझे ये इस किस्म की शिकायत मुझे ना आए, बेसिकली वो बैड रिव्यूज इसीलिए हम लोग पिक करते हैं ताकि सप्लायर को दिखा सो हमारे पास ना आए।
अच्छा मैडम, एक और कॉन्सेप्ट है कि चाइना वालों से हम चीज खरीदते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए लो क्वालिटी की बना के भेजते हैं, अमेरिका यूरोप के लिए हाई क्वालिटी की बना के भेजते हैं, वो हमने इनको बताना होता है कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। हमने उनको बताना क्वालिटी है कि हम अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, बल्कि आप उससे पूछते हैं कि भाई पहले कभी आप यूके यूएसए के लिए आपने बनाई है चीजें, अगर बनाई है तो दिखाइए आप हमें, ठीक है। ये आप सवाल करते हैं उनसे और उनको बताते हैं भाई मैं जो है मेरी मार्केट सेलिंग मार्केट जो है वो यूके है जी या यूके यूएसए है। है। हाँ जी, जी क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए मंगवा नहीं रहे हैं, और बल्क हाँ क्वांटिटी में ऑर्डर करने से पहले हम इसको हमेशा कहते हैं हमें पहले सैंपल आप दिखाएंगे, और ये सैंपल दिखाते हैं और मंगवाते हैं हम सैंपल्स भी। जी। अच्छा, प्रॉपर प्रॉपर हम इसको उस अमेजोन के अपने कंपेटिटर का इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप भी विजिट करो, ये देखो ये उसकी प्रोडक्ट है, इस तरीके से पिक्चर्स ली हुई है, सेम टू सेम हमें इस तरीके से चाहिए है, जो थोड़ी बहुत चेंजिंग है अगर वो करवानी है वो करवाते हैं हम। तो इस तरीके से उसको फिर हम प्रॉपर बताते हैं कि ये मटेरियल है, इतनी उसकी डायमेंशन है, एग्जैक्ट इस तरह की बनानी है। अच्छा, जी अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि पीसेस अगर 200 से लेके 999 पीसेस मैं अगर इसको ऑर्डर करूंगी इस प्रोडक्ट के लिए, ये जो बबल गेम का गैजेट है जो भी है, ये कह रहा है $1.50 में मुझे देगा एक पीस की प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है अगर आप 1,000 पीसेस से ज्यादा ऑर्डर करते हो तो मैं आपको रेट कम कर दूंगा, $1.30 का एक पीस मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो ये कुछ सेंट्स कम करता जाता है, इसलिए पीएल में हमेशा हम लोग बल्क क्वांटिटी में ही उठाते हैं, इसी तरीके को हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात की जाए तो ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सर प्लीज दिखाइएगा, ये देखिए ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है लीड टाइम के ऊपर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में वो बोल रहा है कि आप कम से कम एक पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, वरना नॉर्मली सप्लायर्स ने क्या लिखा हुआ होता है, वो कहते हैं 500 मिनिमम ऑर्डर पीस आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, ये हर सप्लायर की अपनी अपनी मर्जी। अगर इसकी मैं बात करूँ तो वो कह रहे हैं एक पीस भी अगर लेना है तो ले सकते हो। अच्छा, अगर लीड टाइम की बात की जाए, क्वांटिटी पीसेस एक से लेके 500 लीड पीसेस के टाइम का मैडम हिसाब इनको से, बताइए, लीड टाइम जो है ना वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर हमें आपको तैयार करके दे दूंगा, 1 से लेके 500 तक, ठीक है, अगर 500 आप तक पीस लेते हैं तो। बेसिकली जी बिल्कुल। अच्छा, जी इनको मैं ये कहूंगी ये 20 दिन का एस्टिमेट दिमाग में रखें, 15 जी इसने जी मेंशन किया हुआ है, 20, ठीक है, 5 दिन का मार्जिन देके आप लोग अपने माइंड को ये समझाएंगे कि 20 दिन का एस्टिमेट लिए अगर हुए पांच हैं सौ से ज्यादा पीसेस हैं तो फिर उस पर बात हो सकती है, वो कह रहे हैं मजीद। जी। अच्छा, अगली वो अपनी क्या डिटेल बता रहे हैं, कस्टमाइजेशन को सब लोग देखें, वो कह रहे हैं कि अगर मिनिमम ऑर्डर आप लोग 500 पीसेस हमें देते हो तो मैं आपको कस्टमाइज लोगो लगा के दूंगा, ठीक है, हाँ आपका अपना, आपका अपना फ्री सर्विस। उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर आप मिनिमम ऑर्डर 2,000 पीसेस का करते हो तो कस्टमाइज पैकेजिंग करके दूंगा, ठीक है, इस तरीके से ये इसने थोड़े से अपने पैकेज बनाए हुए हैं। मजीद इसमें देखना क्या होता है, आप राइट साइड पे ये वेरीफाइड सप्लायर देखिएगा जरा, ठीक है, इसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैज है। अब यहाँ पे देखें ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि ये 7 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है, ठीक है, अगर हम इसको मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, इसका रिकॉर्ड है कि ये 7 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर करता है, रिस्पॉन्स टाइम इसका बता रहा है। अच्छा, ऑन टाइम डिलीवरी रेट यहाँ पे रिकमेंडेड ये होता है कि 90% से प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे अच्छी इसकी रेटिंग आ रही है, 94.1% आ रही है, ठीक है। मजीद इसकी रेपुटेशन देख लें, ये 71 ट्रांजेक्शन, ये देखें 2.5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन इस टाइम कर चुका है। मजीद इसकी थोड़ी इजाफी डिटेल देख लें, फ्लोर स्पेस ये कह रहे हैं 4,985, अच्छा चलो ठीक हो गया, यहाँ से ये सारी चीजें मैंने देख ली। और ये ट्रेड एश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए ये देखिएगा, प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन, इसके आगे ट्रेड एश्योरेंस का बैच इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, मजीद इसका प्रोफाइल जाके देखते हैं, ये देखिए प्रोटेक्शन, ट्रेड एश्योरेंस, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कंपनी प्रोफाइल देखिएगा, कंपनी प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो सब वेट करेंगे, इसको लोड हो जाने दें, मजीद इधर क्या देखना है हमने, ये देखिए बिजनेस टाइप ये कह रहा है ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, हम यही रिकमेंड करते हैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग कंपनी दोनों हो, ठीक है, गुड है, ट्रेडिंग
ट्रेडिंग कंपनी में क्या है कि वो ज्यादा सारी प्रोडक्ट्स अपने गोदामों में रखता है, ठीक है, ज्यादा सारी चीजें हमें एक ही सप्लायर के पास मिल जाती है, जबकि अगर खाली मैन्युफैक्चरर हो तो वो एक आधी प्रोडक्ट पे उसकी ग्रिप होती है और वो एक ही प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बना रहा होता है। तो रिकमेंड हम लोग यही करते हैं कि बिजनेस टाइप में ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर दोनों हो तो ज्यादा बेस्ट है, और अदरवाइज अगर ट्रेडिंग कंपनी भी है या खाली मैन्युफैक्चरर भी है तो अच्छे से फिर आप उसको स्टडी करेंगे कि आपकी जो मतलूबा प्रोडक्ट है क्या वो आपको यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में मिल रही है, सस्ते दामों मिल रही है, वेरीफाइड सप्लायर्स मौजूद है। अच्छा, एक और यहाँ पर ये चीज, बिजनेस टाइप में अगर आपको एजेंट दिख जाता है ना तो फिर आपने छोड़ देना है इसको, एजेंट बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक होगा। इस वजह से आप ये देखने आए हैं इसकी कंपनी प्रोफाइल। जी मैडम, जी मैं मजीद ऐड करूंगी, एजेंट आपको अभी यहाँ पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने क्राइटेरिया फिट कर दिया था, ट्रेड इंश्योरेंस वाला और वेरीफाइड वाला। लेकिन अगर वही सर वाली बात कि अगर एजेंट मिले तो आप इस सप्लायर को लीव कर देंगे, क्योंकि वो आपको एक तो प्राइस अच्छी नहीं दिलाएगा और दूसरी बात वो अपना कमीशन भी रखेगा, महंगी पड़ जाएगी।